दबंग की आने वाली दोस्तों December 20, 2019 में और सलमान खान का ट्रेलर हाल ही में आया है और मेरे साथ फिलहाल मौजूद है ऑटो वाले अंकल यानी कि अशोक सर। सर आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। आप लोग के लिए हैप्पी दिवाली। मैं सबसे पहले पूरे जितने भी मेरे दर्शक हैं और जितने मेरे चाहने वाले हैं मैं उनके लिए हैप्पी दिवाली बोलूँगा कि आप लोग के लिए शुभकामना हैप्पी दिवाली। आप अच्छे से अपना हैप्पी दिवाली मनाइए बस। अच्छा सर, स्वागत तो करो हमारा, ये कहते हैं सलमान खान। हाँ, तो आपने क्या ट्रेलर का स्वागत किया है? देखिए, इसमें जो है जब मैं टीजर देखा था तो कुछ सस्पेंस में था कि ये कौन सी ऐसी मतलब दबंग जो 1 और 2 जो आई थी सेम टू सेम वैसे ही रहेगी। लेकिन जब मैं कल ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या मुझे अच्छा लगा कि कुछ दिन पहले जब मैं बोला था कि अगर हिंदी मूवी के प्रोड्यूसर और साउथ के डायरेक्टर अगर एक हो जाए तो पिक्चर इंडिया में नंबर 1 बनेगी, ये मूवी में वही किया गया है। यहाँ पे देखिए प्रभु देवा का नाम जो है आपको दिख रहा है, प्रभु देवा का नाम इन्होंने बहुत सी सबसे बड़ी ये काम किया है अरबाज खान ने कि प्रभु देवा को डायरेक्शन करने का मौका दिया है, उनके लिए लक्की साबित है। और ये मूवी जो है आज तक 1, 2, 2 जितनी भी मूवी आई उनकी ये जो दबंग पे उससे ज़्यादा ये बिजनेस करेगी। क्यों? इसमें डायरेक्शन एक्शन बहुत ज़बरदस्त है और इसमें सुदीत जो रिचा क्या नाम है उनका जो विलन का जो काम किए हैं किच्चा सुदीप जिनका पहलवान जो आया था उसमें साउथ के हैं जो उनको इसमें एंट्री दिए। इन अरबाज खान ने दो कमियां इन्होंने ख़त्म की है। पहली बात है उनके दिमाग में आ गया कि मुझे जो है हट के चलना है और मुझे भी आगे जाना है, तो इन्होंने सबसे बड़ी पहली है कि प्रभु देवा को डायरेक्शन करने का मौका दिया। और दूसरी बात है उन्होंने कि किच्चा सुदीप को जो है मौका दिया है, बहुत अच्छा इनके लिए जो है इनके लिए इतना अच्छा ये होगा कि वो खड़े उतरेंगे और विलन के रोल में बहुत अच्छे उतरेंगे और ये मूवी सुपर डुपर हिट जाएगी। कहते हैं कि सलमान खान के कैरियर को एक बड़ी उड़ान या ऊंची उड़ान देने की कोशिश की थी वांटेड से प्रभु देवा ने 2009 में। हाँ, 10 साल बाद क्या एक बड़ा धमाका करेंगे 300 करोड़ में ले जाकर उनको? देखिए, पहली बात है कि जब वांटेड के बाद इन्होंने प्रभु देवा को और मूवी में नहीं दिया वो सबसे बड़ी सलमान खान और अरबाज खान के लिए दुख भरी ये है कि उन्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब वांटेड में जब प्रभु देवा ने ये किया डायरेक्शन किया था उसके बाद इन्होंने दूसरी मूवी में नहीं डायरेक्शन करने दिया, ये बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अब जो है जब उन्होंने गलतियां मान ली है और उन्होंने उनकी वापसी कराई है तो मैं उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है और ये उड़ान भरेगी, इतनी ज़बरदस्त उड़ान भरेगी कि उनके लिए अच्छा संकेत होगा। नहीं, महेश मांजरेकर की लड़की है। देखिए बीच में जो है ऐसे ही रवि जो है फिल्मी फेयर के जो ये है उसने भी यही संजय मांजरेकर बोला, तो मतलब उनको भी ध्यान नहीं था कि किसकी लड़की है, तो बोले तो कुछ सामने से मालूम पड़ा कि महेश मांजरेकर की लड़की है। तो ये है महेश मांजरेकर की, हमारे जो माने जाने जो डायरेक्टर हैं बहुत अच्छी मूवी मराठी हो हिंदी हो बहुत से अच्छे अच्छे मूवी बनाई हैं, उनकी डायरेक्टर की लड़की है, उनकी एंट्री हुई है, बहुत अच्छी लड़की है और मैं अच्छा ही चाहूँगा कि ये मूवी हिट हो और उनकी पहली मूवी हिट हो के। सलमान खान की मूवी एक बड़े स्टार की मूवी, इसके डायलॉग्स हमेशा बहुत ही कैची रहते हैं, लोगों को याद आते हैं। हाँ, याद रहते हैं। हाँ, स्वागत तो करो हमारी हमें याद हो गया। हाँ, ट्रेलर में कुछ डायलॉग्स जो आपको याद है या फिर जो बहुत अच्छे लगे आपको? हाँ हाँ, इसके अंदर कुछ ये बताएगा कि मारेंगे भी हम और कुछ है ये डायलॉग है कुछ है हम उसको ये बताएंगे जल्दी में था, मतलब मारेंगे भी हम और गाय ये करेंगे, अच्छा डायलॉग है। मतलब इनके डायलॉग में कुछ नहीं देखिए, अगर कमी भी रहेगा तो इन्होंने जो डायरेक्टर को चूज़ किया है वो वहाँ पे ब्रेक लगा देंगे और बोलेंगे सर ये डायरेक्टर सही नहीं, ये डायलॉग सही नहीं है। क्यों? इन्होंने जो डायरेक्टर चूज़ किया है प्रभु देवा को बहुत सही चूज़ किया है और इन्हें जो भी कमियाँ रहेगी वो निकाल देंगे और जो सेट होगा वही वो लेंगे, ये उनके अंदर कमी है प्रभु देवा, क्योंकि EBCD उन्होंने बनाई फ्लॉप नहीं हुई हिट हुई। तो वो व्यक्ति जो है आज तक जितने भी एक्शन आप देख लो कितनी ज़बरदस्त उन्होंने डायरेक्शन की, जो अजय देवगन की मूवी आई थी कितनी चली, तो उनके में कुछ कमी नहीं है, जो भी है उन्होंने अच्छा ये किया है। मैं यही चाहूँगा कि जब इनकी जो है 300 करोड़ और जब इनकी सुपर डुपर हिट हो जाएगी तो मैं यही चाहूँगा कि आगे के लिए जब वांटेड के बाद इनको छोड़ दिए वैसे छोड़ने की कोशिश ना करें। एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि पहली बार सलमान खान की फिल्म 3 ऑल
अलग भाषाओं में आ रही है, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा वर्जन खास, कन्नड़ा के बहुत बड़े सुपरस्टार आप भी जानते हैं, तो क्या लगता है पिछले कुछ फिल्मों से जहाँ पे 300 करोड़ का आंकड़ा जो थोड़ा सा नहीं छू पाई फिल्म सलमान खान की, ये छू लेगी क्या? मतलब क्या बड़े तौर पे रिलीज हो रही ऑल ओवर इंडिया, मतलब और तीन भाषा में वर्जन में रिलीज हो रही है? देखिए, पहली बात यह है कि ये इसमें जो प्रभु देवा की जो डायरेक्टर इंट्री हुआ है, यही मैं बताना चाहता हूँ कि साउथ के डायरेक्टर को मिलाने से आपको यही फ़ायदा होगा। जो इसके पहले जो आपने जो है जितना भी वर्जन में किया, तेलुगु, तमिल, कोई भी कन्नड़ा, ये जो इसमें किया, क्यों नहीं आपकी वो मूवी को पसंद किए? क्यों? क्योंकि उसमें कोई साउथ का डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई नहीं था। इसके अंदर आपने जब प्रभु देवा को एंट्री कर दिया है, उन्होंने अच्छी अच्छी मूवी जो है साउथ में बनाई है, तो उनको सब चाहते हैं। रावड़ी राठौड़ को देखिए, रावड़ी राठौड़ इतनी अच्छी मूवी बनाई उन्होंने, तो ये जो है जितने भी इसके पहले नहीं किए, इसमें 4 गुना बिजनेस होगा साउथ और उसमें जितने भी वर्जन में बनेगा, ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में एक सवाल ये बनता है कि आपकी रिव्यू का क्या होगा, रेटिंग क्या होगी 5 स्टार में से दबंग 3 के ट्रेलर की, अगर आप कुछ कह सके उस पर? तो देखिए, दबंग 3 के लिए जो है ऑलरेडी जो है 5 मैं दूंगा। क्यों? मुझे अच्छा लगा। पहली बात ये अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा मेरे को कि इसके अंदर जो प्रभु देवा को लिया गया है, इसके लिए मैं मूवी कुछ भी हो उनके हिसाब से मैं बोलूँगा कि ये मूवी चलना ही चलना है, इसके लिए 5 स्टार दूंगा मैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। ओके, नमस्ते।